नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में इस हफ्ते आपके लिए चार स्टॉक्स ऐसे लाइनअप हैं जो आप पहली बार खरीद पाओगे। एक्सआरओ टाइल्स, विंडलेस बायोटेक, देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक। जी हाँ, 4 से 6 अगस्त तक प्राइमरी मार्केट में ये स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो किस में अप्लाई करना चाहिए, किसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये चारों आईपीओ एक ही डेट पे आ रहे हैं। आपको अगर चारों में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 60,000 की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपना पैसा आपको ये ब्लॉक कराना पड़ेगा, तभी आप चारों में अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हमको कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस में हम अप्लाई करें, किस में ना करें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ 1 या 2 या 3 में ही अप्लाई करने के लिए फ़ंड अवेलेबल रखे होंगे अपने पास। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, रईस लोग भाई कमेंट मत करने लगना कि भाई 10 IPO आ जाए मैं 10 में लगा दूंगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी और प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। सीधे चलेंगे, पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा देते हैं, क्योंकि वहीं से हमको एक इशारा मिल जाता है कि किस कंपनी को कितना सम्मान मिल रहा है। वहीं से हम एक अनुमान भी लगा लेते हैं कि हमको किस में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका पैसा होता है ये डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। ठीक है, 125 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे एक्सआरओ टाइल्स के। ठीक है, 30 शेयर्स विनलेस बायोटेक के, मिनिमम की बात हो रही है। देवयानी इंटरनेशनल के 165 शेयर्स और कृष्णा डायग्नोस्टिक के 15 शेयर्स। कितना प्राइस, कितना चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे कंपनी क्या करती है और कौन सी कंपनी मुझे पसंद है, ये वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। यहाँ तक हो तो वीडियो लाइक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग लाइक करते हैं उनको आईपीओ मिलने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उनकी, मजाक कर रहा हूँ, आपका मन हो तो लाइक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सआरओ टाइल्स कंपनी क्या काम करती है हम बताएंगे। 120 रुपये पे इन्होंने अपने शेयर्स लाए हैं। ठीक है, 15,000 रुपये आपको यहाँ पर डायरेक्टली देने हैं, 125 शेयर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। कमाल है, पूरा जो पैसा होता है यही कंपनी यूटिलाइज कर रही है। एक बंदे को 15,000 देना पड़ेगा, वही मिनिमम लिमिट भी होती है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 1,750 रुपये मिल रहा है, और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग 12% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। विनलेस बायोटेक, ये डेटा अभी अपडेटेड है 1 बजे, दोपहर 1 बजे के आसपास 2 अगस्त को। ठीक है, तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहा कीजिए कि प्रीमियम किसका घट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर कुछ लोग प्रीमियम देखकर अप्लाई करते हैं तो विनलेस बायोटेक 460 का प्राइस है इनका, 13,800 रुपये आपको देने हैं, 3,420 रुपये। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 22 से 23% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि लगभग 22 से 23% का प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इवन 10% ज़्यादा प्रीमियम है। देवयानी इंटरनेशनल, ये कंपनी कमाल कर रही है, और जब आप इस कंपनी के बारे में जानोगे तो आप मतलब एक बार के लिए कुछ नई चीज़ें भी जान पाओगे। यहाँ पर सिर्फ इनका प्राइस 90 रुपये है, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के आसपास, लगभग 60% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कमाल है, यहाँ पर तो कमाल होगा ही, ये तो फिक्स बात है। अब क्या ये कंपनी मेरी फेवरेट है वो आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पर आपको 7200 का प्रीमियम, जो कि लगभग 50% के आसपास बैठ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, इन्जॉय करने वाला प्रीमियम आपके लिए यहाँ पर भी अवेलेबल है। 954 रुपये का शेयर है, तो यहाँ पर शायद 15 शेयर्स ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जी हाँ, 15 शेयर से मिनिमम है, तो 7200 का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। रोलेक्स रिंग्स, ये पहले का है तो आप इसको इग्नोर कीजिए, 4 से 6 अगस्त वालों की बात हमने कर ली ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ। ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है मार्केट की कंडीशन को देख करके, तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहा कीजिए। नीचे आपके लिए लिंक मैं दे दूंगा। अब चलते हैं एक एक कंपनी के बारे में, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इनडेप्थ एनालिसिस वीडियो सिंगल कंपनी की अलग से मैं बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो, जिस पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर कौन सी कंपनी अप्लाई करने लायक है, और फंडामेंटल्स को देखकर कौन सी कंपनी अप्लाई करने लायक है, उसको हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। एक्सआरओ टाइल्स क्या काम करती है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये टाइल्स बनाते होंगे। जी हाँ, मेजरली यूज फॉर फ्लोरिंग सॉल्यूशंस, आपको खुद पता चल गया नाम से ही। देखिए, ऑपरेशंस जो हैं वो 2 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में इनके डिवाइडेड हैं, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। अब जो लोग टाइल्स के बारे में जानकारी रखते होंगे वो यहाँ पर जानेंगे। बाकी ये कंपनी पूरे देश में काम करती है, ठीक है, 24 स्टेट्स में प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, कमाल है। यूनियन टेरेटरीज में भी इनका काम है, 12 देशों में ये अपने माल को सप्लाई भी करते हैं। तो कंपनी दमदार लग रही है ऑन पेपर, अगर हम सिंपली फंडामेंटल्स को जानें। फाइनेंशियल्स को देखने के बाद कुछ और क्या मिलने वाला है, 244 करोड़ का रेवेन्यू, 243, 259, रेवेन्यू में उतनी खास ग्रोथ है नहीं, और इसी चीज़ को बाज़ार बड़ा सम्मान देता है कि ग्रोथ हमको ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर ग्रोथ कम है तो बाज़ार इनको सम्मान देगा नहीं, कम देगा, क्योंकि देश दिक्कत से जूझ रहा है, इसलिए ये कंपनी भी उसी दिक्कत से जूझेगी। लेकिन अगर आप अभी मुंबई का एक डेटा पढ़े होगे, वहाँ पर हाईएस्ट नंबर हाउसेस बुक हुए हैं, ज़मीन खरीदी गई है, तो ये कमाल है। आने वाले समय में इनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब ये उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप पैट देखोगे, 9 करोड़ से 11 करोड़, 11 करोड़ से
15 करोड़। और पैट जब बढ़ रहा है तो उफकोर्स ये बात है ईपीएस भी बढ़ेगा, और जब आप वेटेड ईपीएस देखोगे तो कमाल का है। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी अच्छी है। अन्य इनडेप्थ एनालिसिस आपको देंगे, अगर वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे तो आपको अन्य जानकारी दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल्स को देख करके, ग्रोथ को देख करके हम इस कंपनी को एक स्टेबल कंपनी मान रहे हैं। और स्टेबल कंपनी आने वाले भविष्य में क्या इसके लिए फ्यूचर स्कोप उतना ही है जितना अभी है या इवन ज़्यादा है, तो बिल्कुल मान लीजिए। इनका जो बिजनेस है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रेप्लीकेट करता है। यू कैन बेट ऑन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इसका प्रीमियम ग्रे मार्केट काफ़ी कम है इस ग्रोथ को देख करके, लेकिन मुझे ये कंपनी काफ़ी पसंद आई। अब चलते हैं अगली कंपनी पर, विंडलेस बायोटेक। ये है कमाल की कंपनी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, उनका ये जो है सॉरी प्रोडक्शन नहीं करते, उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये जो है आगे के लेवल पर उसका उसकी मार्केटिंग करते हैं, जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हो, प्रोडक्ट डिस्कवरी, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद लाइसेंसिंग का भी काम है इनका, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, जेनरिक प्रोडक्ट्स। अगर मैं मतलब एकदम फ्रैंकली बोलूँ तो इनका जो बिजनेस है वो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है समझने के हिसाब से। मतलब मुझे जो है वो मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि इनके मार्जिन्स किस तरीके से काम करते होंगे, इनके जो मतलब जिस जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं वो किस बेसिस पे इनको देती होंगी, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से इनके यहाँ काम करती होगी, मतलब ये कंपनी मुझे कम समझ में आ रही है। देखते हैं फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी कुछ टर्म्स के बारे में एग्जैक्टली जानकारी है नहीं, और इसलिए मैं आपको ये भी हमेशा कभी सलाह भी देता रहता हूँ, जो आपको बिजनेस ना समझ में आए अगर आपको थोड़ी सी भी इधर उधर हेर फेर लग रही है अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पर रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू 311 से 331 रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ से घट गया 16 करोड़, फिर और घट गया 15 करोड़। अगर आप देखोगे कंपनी का खर्चा बहुत बुरी तरीके से बढ़ा है। दूसरी चीज़, कंपनी थोड़ा सा कैपेक्स पे भी आने वाले समय में फोकस करना चाहती है, तो ये बढ़ा हुआ खर्चा अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। अर्निंग पर शेयर इनका ड्रास्टिकली कम हुआ है। इसके ऊपर आप जाकर इसके चक्कर में मत पड़िए कि इसमें आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। ये जो कंपनी है जिस सेक्टर के लिए काम करती है वो सेक्टर खुद के लिए बड़ा मार्जिन जनरेट कर पाता है, बस उनको कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, उसकी मार इनको भी पड़ेगी। मतलब ओवरऑल सिनेरियो देखिए, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। बिजनेस भले उतना हम लोगों को ना समझ में आए, लेकिन एक चीज़ जो इनके रेवेन्यूज़ हैं उनको देख करके हम एक चीज़ कंफर्म बता सकते हैं कि इस कंपनी की जो डिमांड है, चाहे वो प्रोडक्ट बेसिस पे हो चाहे वो कंपनी बेसिस पे हो, वो है बड़ी तगड़ी। अब ये खर्चे अगर ये कंट्रोल कर ले जाएं, कैपेक्स को अपने अच्छे से यूटिलाइज कर ले जाएं, तो सोने पे सुहागा होगा। जरा हम इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना चाहेंगे, एक मिनट ऊपर आ जाते हैं। विंडलेस बायोटेक 3420 रुपये के आसपास इनका जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ठीक, 3420 ज़्यादा अच्छा है एक्सआरओ टाइल्स के मुकाबले। और आप फार्मा सेक्टर की कंपनी है इसीलिए इनको लगभग लगभग थर्ड हाईएस्ट प्रीमियम भी इन चारों में से मिल रहा है। तो ये कंपनी भी मुझे ठीक लगी है। किसके बेसिस पे? रेवेन्यू बेसिस पे। पैट यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन का माहौल है। हम अगर इसको इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको दिक्कतें आई हैं अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करने के लिए, किस तरीके से इनकी दिक्कत आगे बढ़ जाएगी अगर ये कैपेक्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे, कंपनी ने आपको सच में गजब की परफॉर्मेंस दी है, इम्प्रेस हो जाना चाहिए आपको। 311 से 331 फिर 431, कमाल है, कमाल है। अब आते हैं अगली कंपनी पर, देवयानी इंटरनेशनल। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हाईएस्ट है। और ये कंपनी क्यों ग्रे मार्केट प्रीमियम हाईएस्ट लेकर बैठी है, उसके लिए आपको सिर्फ दो चार नाम देखने हैं, ठीक है, कौन कौन से? KFC, पिज्ज़ा हट, ठीक है, टैको बेल ब्रांड्स, इन सब की क्या है, क्या है? फ्रेंचाइजी है। यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी इनके पास है। इनके पास ग्लोबल प्रेजेंस 50,000 रेस्टोरेंट्स की है, 150 देशों से ज़्यादा में इनका बिजनेस चलता है, ठीक है। द कंपनीज बिजनेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 verticals दैट इंक्लूड्स KFC का स्टोर, पिज्ज़ा हट का स्टोर एंड कोस्टा कॉफ़ी का स्टोर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑपरेटर्स हैं क्विक चेन सर्विस रेस्टोरेंट्स के इन इंडिया में। 655 स्टोर्स इनके हैं 155 शहरों में भारत देश में, कमाल है ना। जी हाँ, नाम ही काफ़ी है, इसीलिए जिनका जो है नाम वाला उसी के तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा है। रेवेन्यू देखिए 1300 करोड़, 1500 करोड़, 1100 करोड़, यहाँ पर कम हुआ है रेवेन्यू। थोड़ा सा मैं निराश हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पता है क्यों कम हुआ आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब और होता 1500 के आसपास 1400 रह जाता, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर डी ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। लॉसेस को देखिए 60 से 78, 78 से 81, लॉस यहाँ बढ़ गया, नहीं बढ़ना चाहिए था, ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव लगी, लेकिन फिर भी नाम ही काफ़ी है। KFC पिज्ज़ा हट का नाम ही काफ़ी है इस कंपनी को प्रीमियम दिलाने के लिए। कंपनी लॉसेस में थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने
क्या कमाल किया है, ज़ेरोधा वालों से पूछना पड़ेगा या फिर इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसको अच्छे से देखना पड़ेगा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में। रेवेन्यू के टर्म्स में देखिए तो इंडिया की जो स्टोरी है वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है 2020 से 21 के बीच में। उस हिसाब से हमको यहाँ पर दो बातें देखनी है। पहला तो ये कंपनी का कंपेरिजन आप किससे करोगे, डोमिनोज से करोगे ना, बर्गर किंग से करोगे ना, तो देखिए आप उनको कितना प्रीमियम देकर बैठे हो बाजार में, बहुत महंगा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे रेवेन्यू के टर्म्स में तो 50% से नीचे ये कंपनी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और ये एक बड़ी कंपनी है तो यहाँ पर आपको जो स्टेबिलिटी है अन्य स्टॉक्स के मुकाबले वो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये नो ब्रेनर है अप्लाई करने के लिए, खासकर लिस्टिंग गेंस के लिए। लॉन्ग रन के लिए कैसी है कंपनी वो भी आप समझ पा रहे होगे देख करके कि कितने जगहों पर इनकी प्रेजेंस है। लॉन्ग रन में भी इनको ग्रोथ मिलेगी या नहीं वो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। आखिरी कंपनी पे आते हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक। अब आपको यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी गजब का काम करती है। टेक्नोलॉजी के ऊपर इनकी गजब की रिलायंस है और गजब डिपार्टमेंट इनका देखिए, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी में, टेली रेडियोलॉजी, इन जगहों पे इनकी गजब की पकड़ है और गजब की तकनीक ये उपयोग करते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफरेंशिएटेड डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में। कमाल की कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है। मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा हैं और ये कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है बड़ा ट्रस्ट करती है और लोगों के हाथ में ताकत दे करके अपने सेंटर्स को बढ़ाती है। और वही चीज़ आपको फाइनेंशियल्स में भी रेप्लिकेट होते हुए दिखाई देगी। कंपनी प्रॉफिट में आई है, 184 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर में, सॉरी इस साल हमको ला कर दिया है। रेवेन्यू देख रहे हैं 214 से 270 और 661। याद रखिएगा ऐसी ग्रोथ आगे पाना पॉसिबल बहुत कम है, बहुत कम आसार हैं। देखिए कंपनी छोटी है, ग्रोथ हो सकती है मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको कोविड का वो मिला है तो बिल्कुल वो चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है। और इसी कारण इनको जो है अपने गजब के फाइनेंशियल्स को पेश करने का मौका मिल गया। कंपनी ने गजब की परफॉर्मेंस दी है, चाहे आप पिछले साल की बात करो चाहे उससे पहले भी जाकर देखो। कोरोना नहीं था फिर भी इनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर नहीं थी। तो ये कंपनी मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर देवयानी इंटरनेशनल को देखें तो वहाँ पर आपको हाईएस्ट प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं इस कंपनी को लॉन्ग रन के लिए भी रखना चाहूँगा। बहुत कम मुझे फार्मा कंपनियाँ पसंद आती हैं, ये उनमें से एक है। अगर ये किसी कारणवश मुझे इशू प्राइस के आसपास मिल जाता है स्टॉक तो मैं और ऐड करना चाहूँगा इसको, बाकी मिलने के आसार काफ़ी कम हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, लगभग आपने सेगमेंट समझ लिया, फाइनेंशियल्स को थोड़ा बहुत आपने देख लिया। अगर मैं किसी पे भी इनडेप्थ एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा आपको पूरा एनालिसिस उस स्टॉक का दूंगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लॉन्ग रन के लिए आपको लगाना चाहिए या नहीं। अब मैं अपनी पर्सनल पिक्स आपको बता देता हूँ, मुझे कौन सी कंपनी पसंद है। अगर मेरे पास 15,000 हैं तो मैं किस में डालूंगा, अगर मेरे पास 30 हैं, 45 हैं, 60 हैं तो मैं किस में डालूंगा। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 60,000 अगर होंगे भी तो करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर मैं सिर्फ अपने 45,000 को यूज़ करूँगा, एक आईपीओ नहीं अप्लाई करूँगा। वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एक्साइरो टाइल्स को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, इसको मैं आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए सोचूंगा, यानी कि 6 तारीख को। ठीक 4 से 6 के बीच में मैं आखिरी दिन देखूंगा कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम कम तो नहीं हुआ, क्या यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं कि नहीं, उन सब की कंडीशन को देख लूँगा तभी यहाँ पर अप्लाई करूँगा। बाकी जो तीनों कंपनियाँ हैं वो मुझे पसंद है, मैं 45,000 होगा तो तीनों में डालूँगा। अगर सिर्फ 15,000 है तो मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक में डालना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग रन के लिए भी बड़ा भरोसा है, शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया गेन ये कंपनी दे सकती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है देवयानी इंटरनेशनल और कृष्णा डायग्नोस्टिक लगभग सेम प्राइस रेंज, मतलब कि सॉरी परसेंटेज टर्म्स में लगभग सेम लिस्टिंग पाएं, ऐसा हो सकता है। बाकी जरूरी नहीं जो कंपनी मुझे पसंद हो सबको पसंद आए, देवयानी इंटरनेशनल कम नहीं है। तो पहला 15,000, अगर सिर्फ 15,000 है मेरे पास तो मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक में डालूंगा। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हो, सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेना चाहते हो तो आपकी पहली पिक देवयानी इंटरनेशनल होनी चाहिए। मेरी पहली पिक कृष्णा डायग्नोस्टिक है, दूसरी पिक देवयानी इंटरनेशनल है ग्रे मार्केट प्रीमियम के भी हिसाब से। और जो ट्रस्ट है ब्रांड्स पे उसको देख करके, ग्लोबल प्रेजेंस को देख करके, फंडामेंटल्स को देख करके, कंपनी की साइज को देख करके, ये दोनों कंपनियां लगभग आपस में टाई कर रही हैं और इसी कारण इन दोनों की ग्रे मार्केट प्रीमियम गजब के लेवल पे चल रहे हैं। पर्सनल फेवरेट आपको मैंने बताया कृष्णा डायग्नोस्टिक, सेकंड फेवरेट देवयानी इंटरनेशनल। विंडलेस बायोटेक ये कंपनी फार्मा सेक्टर की है, प्रीमियम कम है, जो इनका बिजनेस मॉडल है उसकी समझ थोड़ी सी कम है। मैं रिसर्च करूंगा, इनका रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ूंगा, अगर आप लोग कहोगे इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं पैसा यहां पर डालूंगा। क्यों, दो कारण है। पहला, फार्मा सेक्टर नीचे के लेवल से बढ़िया रिकवरी पाया है, मार्केट कंडीशन पॉजिटिव है, प्लस अभी जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपने मार्जिन बढ़ाकर काम कर सकती हैं। और अगर वो मार्जिन बढ़ाकर काम कर रही हैं तो ऑफकोर्स सी बात है जो उनके पार्टनर्स होंगे उनको भी वो ज़्यादा मार्जिन देने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसी कारण ये कंपनी शॉर्ट टर्म में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है, इस कारण मुझे ये कंपनी पसंद है। बहुत लॉन्ग रन के लिए नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर बनता है। अगर यही करंट मार्केट प्राइस मिल जाता है तो आपको यहाँ पर
तीसरी चॉइस रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी 45,000 अगर डालना हो, एकदम मजबूरी है, तो मैं इन तीनों में डाल दूंगा। बाकी अगर 45,000 में से आधा पैसा बचा कर रखना हो इन दोनों में से, तो मैं इन दोनों के लिए वेट ही करूंगा आखिरी दिन के लिए। पहले दिन इन दोनों को मैं अप्लाई कर दूंगा, देवयानी और कृष्णा को, उसके बाद आखिरी दिन के लिए विनग्लास बायोटेक और एक्सायरो टाइल्स के लिए वेट करूंगा। अगर मुझे पूरे पूरे 60 डालने हो, क्या मैं सब में अप्लाई कर दूंगा? करना चाहिए। अगर आखिरी दिन यही लगभग प्रीमियम रहता है तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, 10-12% का भी गेन। कुछ रिस्क हर कंपनियों के साथ इन्वॉल्व हैं, वो रिस्क मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में, जब आपको बताऊंगा। बाकी ये चारों कंपनियां अपने अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही हैं, मार्केट में बहती गंगा में हाथ धोने भी आई हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं ना, मैं कमाल, मतलब होता है ना कि लिक्विडिटी में ऐसे ही प्रीमियम औने पौने प्रीमियम चलते जाते हैं। मेरे हिसाब से एक्सायरो टाइल्स को यहाँ पर प्रीमियम इतना नहीं मिलना चाहिए था, और जो देवयानी इंटरनेशनल है इनको मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार का प्रीमियम मिलना चाहिए था। लेकिन देखिए लिक्विडिटी देखिए मार्केट की कमाल की है। ये पेज अपडेट होता रहेगा, आप इसको चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव नीचे पूछना। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कंपनियों में से कोई और चॉइस आपको अच्छी लगती है, जैसे कि हो सकता है आपको विनग्लास बायोटेक ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको देवयानी ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक ज़्यादा पसंद हो, किसी को देवयानी ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कृष्णा ज़्यादा पसंद होते हैं, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, जिसका नाम देवयानी और कृष्णा हो दिल पे ना लें, मैं तो दिल से बुरा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे वाली का नाम ना लो। ठीक, मजाक हो गया, अलविदा ले रहे हैं। जिस पे वीडियो चाहिए होगी आपको, जो कंपनी ज़्यादा पसंद होगी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बना दें। 2-3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है उस कंपनी के फंडामेंटल्स, कैसी कंपनी काम क्या कर रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख लीजिए, ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमको अंदाज़ा लगता है और लोग क्या सोच रहे हैं उस कंपनी के बारे में, यहीं से हमको अंदाज़ा लग जाता है। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपने देख ली, तो लॉन्ग रन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनियों में बने ही रहो, प्रॉफिट मिल गया निकल जाओ, बाद में फिर से मौके मिलते हैं उनका आप आराम से फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास 60,000 से ज़्यादा पैसा होगा तो एक ही अकाउंट से मत अप्लाई कर दीजिएगा मल्टीपल लॉट्स में, अपने भाई बहन चाचा ताऊ दूसरे के अकाउंट से करोगे तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये एक एडवाइस थी, कुछ लोगों को नहीं पता होता, मैंने सोचा बता दूं। एक पेन से चाहे आप पहले दिन पहले मिनट पहले सेकंड में कर दीजिएगा अप्लाई, चाहे आप आखिरी मिनट आखिरी घंटे में आखिरी सेकंड में करोगे अप्लाई, उतने ही चांसेस होते हैं जितना पहले घंटे वाले के लिए होते हैं। तो घबराहट मत दिखाइए, आखिरी दिन भी अप्लाई करोगे तो भी मिलते हैं आईपीओज। अभी अलविदा ले रहे हैं, नमस्कार।